हाई एवरी वन, आई होप यू ऑल आर वेल. वेलकम टू राइट गाइडेंस एंड एम्बिशन. माई नेम इज़ अंजलि. इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ यूनिट 5 के इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन डिस्कस करने वाली हूँ. जैसे कि मैंने आपको सिलेबस एग्जाम पैटर्न की वीडियो में बताया था, यूनिट 5 के अंदर टोटल 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं. सो इससे पहले मैं आपके साथ जो है यूनिट 2, यूनिट 3 और यूनिट 4 के क्वेश्चंस डिस्कस कर चुकी हूँ. जिन्होंने अभी तक वो वीडियोस नहीं देखी हैं उनके लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दिया है. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि जो भी वीडियो मैं अपलोड कर रही हूँ आप लाइन वाइज देखो ताकि आपको कोई भी कन्फ्यूजन ना हो. नाउ विदाउट वेस्टिंग मोर टाइम लेट स्टार्ट विद आवर टॉपिक. राइट डाउन द मीनिंग ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट एंड राइट डाउन द डिफरेंसेज बिटवीन देम. तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे मीनिंग ऑफ ग्रोथ. टर्म ग्रोथ इज़ यूज टू इंक्रीज और एनलार्जमेंट. ग्रोथ टर्म का मतलब होता है जब कोई इंक्रीज करता है या फिर किसी चीज़ का साइज एनलार्ज होता है. ग्रोथ मीन्स फिजिकल इंक्रीज इन द सेल नंबर और सेल साइज. जब बॉडी के अंदर सेल्स का नंबर इंक्रीज होना शुरू हो जाए या फिर एक सेल का साइज बढ़ना शुरू हो जाए उसको हम कहते हैं ग्रोथ. ग्रोथ इज़ अ क्वान्टिटेटिव इंक्रीज इन साइज एंड शेप. जो भी इंक्रीज होगा ग्रोथ के अंदर, किसी चीज़ में शेप में चेंज आएगा या फिर साइज के अंदर जो चेंज आएगा हम उसे मेजर कर पाएंगे, इस चीज़ को कहते हैं क्वांटिटेटिव इंक्रीज. और ये एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है, मींस बॉडी के सेल और सिस्टम से रिलेटेड है ये प्रोसेस. नेक्स्ट हेडिंग है मीनिंग ऑफ डेवलपमेंट. डेवलपमेंट इज़ द प्रोसेस बाय विच ऑर्गेनिज्म ग्रो एंड चेंज सिस्टमेटिकली ओवर द पीरियड ऑफ लाइफ टाइम फ्रॉम कंसेप्शन टिल डेथ. डेवलपमेंट एक प्रोसेस है जिसके अंदर ऑर्गेनिज्म ग्रो करता है और उसके बॉडी में चेंजेस आते हैं लाइफ टाइम के लिए. फ्रॉम कंसेप्शन टिल डेथ, जब एक चाइल्ड वॉर्म में यानी मदर के स्टमक में होता है तब से लेके डेथ तक जो भी डेवलपमेंट होती है, बॉडी में चेंजेस आ रहे हैं, उस प्रोसेस को हम डेवलपमेंट कहेंगे. डेवलपमेंट इन्वॉल्व सिस्टमैटिक चेंजेस. डेवलपमेंट के अंदर जो भी चेंजेस आते हैं वो सिस्टमैटिक तरीके से आते हैं, इन अ डायरेक्शन इन ऑल आस्पेक्ट. बॉडी के अंदर जो भी आस्पेक्ट्स इंक्रीज हो रहे हैं या फिर उसका साइज शेप चेंज हो रहा है वो सारी चीज़ें जो है बॉडी के अंदर एक सिस्टमैटिक तरीके से होंगे. या फिर जो भी चीज़ें हम सोच रहे हैं, जिस तरीके से हम रह रहे हैं, जो महसूस कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें जो है डेवलपमेंट से रिलेटेड है. डेवलपमेंट रेफर्स टू बोथ क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव चेंजेस. डेवलपमेंट जो है दोनों तरीके का होता है. डेवलपमेंट के अंदर जो भी हमारी क्वालिटी इंक्रीज हो रही है, अगर कोई पर्सन बहुत क्रिएटिव है, इंटेलिजेंट है, तो उसको हम कैसे मेजर कर सकते हैं, उसको हम नाप नहीं सकते. तो जो चीज़ें हम लोग मेजर नहीं कर सकते वो क्वालिटी में आती हैं, और जो चीज़ें हम लोग मेजर कर सकते हैं जैसे बॉडी का साइज शेप, ये जो भी ऑर्गन्स हैं वो डेवलप हो रहे हैं उसको हम मेजर करके देख सकते हैं, वो होते हैं क्वांटिटेटिव चेंजेस. तो डेवलपमेंट जो है दोनों तरीके के चेंजेस को कवर करता है. नेक्स्ट हेडिंग है डिफरेंसेस बिटवीन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. ग्रोथ फर्स्ट पॉइंट है, इट रेफर्स टू दोज चेंजेस इन ह्यूमन बॉडी विच आर ऑफ द क्वांटिटेटिव नेचर. ग्रोथ वो चेंजेस है बॉडी के अंदर जिसको हम मेजर कर सकते हैं, जिसको हम ये देखकर पता लगा सकते हैं कि चेंजेस बॉडी के अंदर हुए हैं, जैसे कि हाइट का इंक्रीज होना या फिर वेट का इंक्रीज करना. तो हम उसको मेजर करके पता लगा सकते हैं कितना इंक्रीज हुए. इट रेफर्स टू द क्वालिटेटिव चेंजेस इन ह्यूमन बॉडी दैट इज़ फंक्शन ऑफ द ऑर्गन्स. डेवलपमेंट जब होती है वो एक क्वालिटी है कि जब हम बोलते हैं एक पर्सन का ब्रेन डेवलप हुआ है जब वो चाइल्डहुड से एडल्टहुड में गया, तो बट उस चीज़ को हम कैसे मेजर करेंगे कितना ब्रेन डेवलप हुआ है. तो जब भी किसी ऑर्गन की फंक्शनिंग की बात होती है हम उसको मेजर नहीं कर सकते. तो इसीलिए डेवलपमेंट जो है एक क्वालिटेटिव चेंजेस है जिसमें क्वालिटी जो है किसी ऑर्गन की या बॉडी की वो इंक्रीज होती है. सेकेंड पॉइंट, ग्रोथ इज़ विजिबल. जब हाइट या वेट में इंक्रीज होगा बॉडी के किसी भी पार्ट में तो वो ईजिली विजिबल होगा, वो दिखाई देगा. बट डेवलपमेंट इज़ नॉट विजिबल. जब हम कहेंगे कोई पर्सन का ब्रेन डेवलप हुआ है, कोई पर्सन इमोशनली डेवलप हुआ है, फिजिकली सोशली डेवलप हुआ है, उस चीज़ को हम कैसे मेजर कर सकते हैं, क्योंकि वो चीज़ हमें दिखाई ही नहीं देगी. कोई पर्सन अपनी लैंग्वेज डेवलप करता है तो वो चीज़ें ईजिली विजिबल नहीं होती हैं. थर्ड, इट सीजेस वंस मैच्योरिटी इज अटेंड. ग्रोथ एक सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम तक ही होती है. जब मैच्योरिटी की एज आ जाती है उसके बाद जितने भी बॉडी के ऑर्गन्स हैं या फिर पार्ट्स हैं वो ग्रो नहीं करते. जबकि अगर हम बात करें डेवलपमेंट की तो डेवलपमेंट एक थ्रू आउट प्रोसेस है जो ज़िंदगी भर चलता रहता है. हमारे बॉडी के जो जितने भी पार्ट्स हैं वो डेवलप होते रहते हैं टाइम के साथ. फोर्थ पॉइंट है, इट मेजर इन टर्म्स ऑफ साइज वॉल्यूम एंड वेट ऑफ द बॉडी. ग्रोथ को हम मेजर कर सकते हैं, नाप सकते हैं कि कितना साइज वॉल्यूम और वेट जो है बड़ा है. जबकि अगर डेवलपमेंट की बात करें उसे मेजर करना आसान नहीं है.
अगर किसी की मेंटल एबिलिटी इंक्रीज हुई है या एकेडमिक अचीवमेंट उसने कोई हासिल की है, तो उसने कितनी डेवलपमेंट की है उस चीज़ में, उसकी जो स्किल है वो कितनी इंक्रीज हुई है, उसका पता लगाना बहुत मुश्किल है। फिफ्थ पॉइंट, ग्रोथ कॉन्टिन्यूज अप टू अ सर्टेन एज ऑफ एन इंडिविजुअल। एक इंडिविजुअल की एक सर्टेन एज होती है, जैसे कि ग्रोथ को कहा जाता है कि इस पर्सन की एज जो है वो 17 to 18 हो गई है, इसके बाद अब इसकी हाइट नहीं इंक्रीज होगी। तो इंडिविजुअल की एक एज तक ही ग्रोथ हो सकती है, उसके बाद नहीं। जबकि डेवलपमेंट जो होता है वो बर्थ से लेकर डेथ तक होता रहता है। इंसान जो है अपने आप को डेवलप करता रहता है सोसाइटी में एडजस्ट होने के लिए। नेक्स्ट पॉइंट है, लिमिट्स ऑफ द ग्रोथ आर सेट बाय द हेरिडिटी ऑफ एन इंडिविजुअल। जो भी बॉडी के अंदर एक ग्रोथ होगी वो हेरिडिटी पे डिपेंड होती है, कि जो भी हमें इंफॉर्मेशन पास हुई है हमारी प्रीवियस जनरेशन से, हमारी बॉडी का जो वेट है, हाइट है, स्किन कलर है, हेयर है, ये सारी चीज़ें जो है हमारी हेरिडिटी पे डिपेंड है। तो ग्रोथ भी इंसान की वैसी ही होगी जो उसने अपनी प्रीवियस जनरेशन से जीन्स के अंदर कैरी किया है। अगर हम बात करें डेवलपमेंट की, तो डेवलपमेंट एक इंसान की इफ़ेक्ट होती है उसके एनवायरनमेंट से, कि वो कैसी जगह पर रह रहा है, कैसे लोग जो है उसके आसपास सराउंड करते हैं, कैसी उसको फैसिलिटीज़ मिल रही हैं, अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं ज़िंदगी में, तो इस चीज़ को देख के जो है इंसान डेवलप करता है। और सेकेंड इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम द यूनिट 5, दैट इज़ एक्सप्लेन फैक्टर्स इफेक्टिंग ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो सबसे पहले आपने मीनिंग ऑफ ग्रोथ एंड मीनिंग ऑफ डेवलपमेंट लिखना है, उसके बाद आपने हेडिंग डालनी है फैक्टर्स इफेक्टिंग ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि जिस तरीके से मैं आपको बता रही हूँ उसी पैटर्न को फॉलो करते हुए अपना आंसर लिखो इफ़ यू वॉन्ट टू गेट गुड मार्क्स। तो सबसे पहला पॉइंट है हेरिडिटी। इट इज़ द प्रोसेस बाय विच फीचर्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स आर पास्ड फ्रॉम पेरेंट्स टू द चाइल्ड बिफोर द चाइल्ड इज़ बॉर्न। तो हेरिडिटी एक प्रोसेस है जिसमें जो भी कैरेक्टर्स या फीचर्स एक बच्चे में ट्रांसफ़र होते हैं उसके पेरेंट्स से, उस प्रोसेस को हम हेरिडिटी कहते हैं। और ये जो ट्रांसफ़र होते हैं कैरेक्टर्स, ये कैसे होते हैं, जीन्स के थ्रू। जीन्स आर द मोस्ट पावरफुल ऑफ लिविंग फोर्सेस बिकॉज दे कंट्रोल द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। एक इंसान की ग्रोथ और डेवलपमेंट को जो चीज़ कंट्रोल करती है वो उसके जीन्स है। जैसे जीन्स के अंदर हमारे पास कैरेक्टर्स ट्रांसफ़र होंगे, वैसे ही एक बॉडी जो है एक इंसान की डेवलप करेगी। हमारी जो हाइट, वेट, बॉडी, स्किन कलर, हेयर, ये सारी चीज़ें जो है हमारी हेरिडिटी पे डिपेंड होती हैं। द डिफरेंट ट्रेट्स विच कैन बी ट्रांसफर टू द नेक्स्ट जनरेशन आर हाइट, बॉडी बिल्ड, स्पीड, इंटेलिजेंस। तो जो नेक्स्ट जनरेशन में चीज़ें ट्रांसफ़र होती हैं वो ये सारी चीज़ें जो है हेरिडिटी पे डिपेंडेंट हैं। सेकेंड पॉइंट है एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट के अंदर फर्दर सब हेडिंग है प्रीनेटल एनवायरनमेंट। दिस इज़ द एनवायरनमेंट ऑफ द फीटस इन द वॉम। चाइल्ड के बर्थ से पहले मदर के स्टमक में जो भी एनवायरनमेंट कंडीशंस जो हैं एक चाइल्ड को मिलती हैं, उससे उसकी ग्रोथ और डेवलपमेंट इफ़ेक्ट होती है। इफ़ द मदर गेट्स पुअर न्यूट्रिशन, अगर मदर जो है प्रॉपरली बैलेंस डाइट नहीं ले रही है, या फिर इमोशनली अपसेट है, स्मोकिंग और ड्रिंकिंग उन्हें प्रॉब्लम है, या फिर वो मेडिसिंस ले रहे हैं बहुत ज़्यादा, या फिर उन्हें कोई डिजीज़ है, तो इसका जो है इफ़ेक्ट पड़ेगा चाइल्ड की ग्रोथ पे। सेकेंड पॉइंट है एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, कि जो बाहर का एनवायरनमेंट है वो भी चाइल्ड के ग्रोथ को हैम्पर करता है, जैसे कि हेल्दी ट्रेडिशंस, कल्चर, सोशल कोड्स, रिलीजियस प्रैक्टिसेस, एजुकेशन, सोशल इकोनॉमिक कंडीशंस एट्सेट्रा। कि हमारी जो एजुकेशन लेवल है वो कितना है, अगर मदर एजुकेटेड होगी या उसके आसपास के लोग एजुकेटेड होंगे तो चाइल्ड की ग्रोथ और डेवलपमेंट अच्छी होगी। हमारी सामाजिक और आर्थिक स्थितियाँ कैसी हैं, हमारा पर्सनल हाइजीन कैसा है, सभ्यता कैसी है, हम समाज में रहते हुए क्या रूल्स रेगुलेशन फॉलो कर रहे हैं, हमारी धार्मिक प्रैक्टिसेस क्या हैं, ये सारी एक्सटर्नल एनवायरनमेंट की चीज़ें जो हैं एक चाइल्ड के ग्रोथ और डेवलपमेंट को इफ़ेक्ट करती हैं। थर्ड पॉइंट है न्यूट्रिशन। प्रॉपर न्यूट्रिशन इज़ असेंशियल फॉर द हेल्दी डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड। अ माल न्यूट्रिशन चाइल्ड ग्रोथ में बी रिटार्ड और स्लो। तो प्रॉपर न्यूट्रिशन यानी कि प्रॉपर बैलेंस डाइट जो है बहुत ज़रूरी है हेल्दी डेवलपमेंट के लिए चाइल्ड के। और अगर बच्चा माल न्यूट्रिशन है यानी कि उसको प्रॉपरली न्यूट्रिशन नहीं मिल रहे हैं तो उसकी ग्रोथ जो है रिटार्ड यानी कि प्रॉपरली हो नहीं पाएगी या फिर स्लो हो जाएगी। फोर्थ पॉइंट है इमोशनल क्लाइमेट ऑफ होम। इफ़ देयर इज़ लॉट ऑफ फाइट्स एट होम, कि हमेशा घर पर जो है लड़ाई झगड़े वाला माहौल रहता है, द चाइल्ड इज़ नॉट गेटिंग इनफ लव एंड अटेंशन। बच्चे को घर पे ना ही कोई अटेंशन दे रहा है, ना ही उससे कोई प्यार करता है। देयर इज़ फिज़िकल एंड मेंटल अब्यूज़ ऑफ द चाइल्ड।
बच्चे को फिज़िकली और मेंटली अब्यूज़ किया जा रहा है, तो इन सारी चीज़ों से भी जो है बच्चे की डेवलपमेंट इफ़ेक्ट होगी। फिफ्थ पॉइंट है इंटेलिजेंस। हायर इंटेलिजेंस इज एसोसिएटेड विद द वेरियस एस्पेक्ट ऑफ डेवलपमेंट। जितनी ज़्यादा इंटेलिजेंस हाई होगी उतनी ज़्यादा डेवलपमेंट होने के चांसेस होते हैं। सिक्स्थ पॉइंट है जेंडर। सर्टेन स्किल्स आर फास्टर इन गर्ल्स देन इन बॉयज़ एंड सम अदर स्किल्स आर फास्टर इन बॉयज़ देन गर्ल्स। अब जेंडर के अकॉर्डिंग भी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होती है। कुछ ऐसे स्किल्स या चीज़ें हैं जो गर्ल्स में जल्दी फास्टर तरीके से डेवलप होती हैं बॉयज़ के मुकाबले, और कुछ स्किल्स ऐसे होते हैं जो बॉयज़ में जल्दी डेवलप होते हैं गर्ल्स के कंपैरिजन में। जैसे कि लैंग्वेज एक्विजिशन इज़ फास्टर इन गर्ल्स। अब ऐसा कहा जाता है कि गर्ल्स जो है लैंग्वेज को जल्दी सीखती हैं, जबकि जंपिंग, कैचिंग, थ्रोइंग ये सारे स्किल्स जो है बॉयज़ में जल्दी डेवलप होते हैं। जेंडर इज़ ऑल्सो अ फैक्टर दैट डिसाइड द पोटेंशियल ऑफ अ चाइल्ड इन फिज़िकल डेवलपमेंट। तो जेंडर भी डिसाइड करता है एक चाइल्ड की फिज़िकल डेवलपमेंट कितने हद तक हो सकती है। सेवन्थ पॉइंट है हेल्थ ऑफ अ चाइल्ड। अगर चाइल्ड जो है बहुत जल्दी बीमार पड़ता है या फिर उसे कोई डिसऑर्डर या वो चाइल्ड डिसेबल है तो उससे भी उसकी ग्रोथ और डेवलपमेंट इफ़ेक्ट होती है। एट्थ पॉइंट है सोशल इकोनॉमिक स्टेटस, यानी कि सामाजिक और आर्थिक स्थिति। जिस सोसाइटी में वो बच्चा रह रहा है, जो उसकी फैमिली है, उसका क्या स्टेटस है, तो उसके अकॉर्डिंग भी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इफ़ेक्ट होती है। अगर बच्चे को अच्छे से न्यूट्रिशन मिल रहा है, फैसिलिटीज़ मिल रही हैं, अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही है लाइफ में, तो वो जल्दी बच्चा जो है डेवलप करेगा। बट एक बच्चा पुअर फैमिली से बिलोंग करता है तो उसकी ग्रोथ और डेवलपमेंट उसके अकॉर्डिंग होगी, उसकी फैमिली के। नाइन्थ पॉइंट है लेवल ऑफ स्टिमुलेशन, अपॉर्चुनिटीज़ फॉर एक्सप्लोरेशन ऑफ एनवायरनमेंट। बच्चे के पास कितनी अपॉर्चुनिटीज़ हैं एनवायरनमेंट को एक्सप्लोर करने के लिए। जितनी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ होंगी बच्चे के पास, जितना वो एनवायरनमेंट को एक्सप्लोर करेगा, उसको जानेगा, उतनी उसकी डेवलपमेंट होगी। इंटरेक्शन विद अदर पीपल, उसके पास कितने चांसेस हैं दूसरों के साथ इंटरेक्ट करने के लिए। जितना बच्चा इंटरेक्ट करेगा दूसरों के साथ, सोशली मिक्सअप होगा, उतनी ज़्यादा उसकी ग्रोथ और डेवलपमेंट होगी। Now last important question from the unit 5, that is question number 3, write down the various stages of growth and development. Psychologists believe that the entire span of growth can be divided into various stages. पूरी ज़िंदगी में जितनी एक इंडिविजुअल की ग्रोथ होती है उसको हम स्टेजेस में डिवाइड कर सकते हैं, जैसे कि प्रीनेटल पीरियड यानी कि बर्थ से पहले का टाइम पीरियड, इन्फेंसी जिसमें बच्चा जो होता है 0 से 2 साल का होता है, चाइल्डहुड एंड एडोलेसेंस ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल एंड मेंटल करेक्टरिस्टिक अपियरिंग एट ई स्टेज। यहाँ पर जितनी भी ये स्टेजेस बनी हैं ये चाइल्ड के फिजिकल और मेंटल ग्रोथ को देखकर बनाई जाती हैं। नाउ लेट्स डिस्कस द स्टेजेस। फर्स्ट स्टेज होती है प्रीनेटल स्टेज, बिफोर बर्थ। सेकंड होती है इन्फेंसी, 1 to 2 ईयर। थर्ड होता है चाइल्डहुड। चाइल्डहुड को 2 टाइप्स में हम फर्दर डिवाइड कर सकते हैं, अर्ली चाइल्डहुड जो 3 to 6 ईयर की रहती है, और लेटर चाइल्डहुड जो 6 to 12 ईयर्स का रहता है टाइम पीरियड। फिर फोर्थ पे आता है एडोलेसेंस यानी कि 12 to 18 ईयर्स। देन उसके बाद आता है अडल्टहुड 18 ईयर्स ऑनवर्ड, कि 18 के बाद जितना भी टाइम पीरियड है वो सारा अडल्टहुड का होता है। फर्स्ट पॉइंट है प्रीनेटल स्टेज। इस स्टेज पे ग्रोथ जो होती है वो काफ़ी जल्दी होती है। हेयर, आईलैशेस, आईब्रोज अपीयर ऑन हेड एंड फेस। फेस और हेड पर जो है हेयर आने स्टार्ट हो जाते हैं। किडनी और अदर ऑर्गन स्टार्ट डेवलपिंग। किडनी और बाकी भी जितने इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स हैं वो धीरे धीरे डेवलप करने स्टार्ट करते हैं। इन दिस प्रीनेटल स्टेज द ग्रोथ कैरेक्टराइज्ड बाय द मल्टीप्लिकेशन ऑफ सेल। अब प्रीनेटल स्टेज में जब एक चाइल्ड जो है मदर के वॉर्म में होता है तो कैसे पता लगता है कि वहाँ पर डेवलपमेंट या ग्रोथ हो रही है? सेल्स की मल्टीप्लिकेशन देखकर। जब सेल्स डिवाइड होते हैं बच्चे के, जैसे ही सेल्स डिवाइड होंगे तो बॉडी के अंदर ऑर्गन्स बनने शुरू होते हैं एक चाइल्ड के, हार्ट, लीवर, किडनीज़, ये धीरे धीरे जो है डिफ्रेंशिएट होने शुरू होते हैं। सेकेंड पॉइंट है इन्फेंसी। इन्फेंसी का टाइम पीरियड होता है 1 to 2 ईयर्स। द वेट एंड हाइट ऑफ चिल्ड्रन ऑफ सेम एज मे वेरी ग्रेटली। अब यहाँ पर जितने भी बच्चे होते हैं इस एज के जो 1 to 2 ईयर्स के होते हैं, उन सबका हाइट और वेट डिफरेंट हो सकता है, बट द पैटर्न ऑफ ग्रोथ इज सिमिलर। बट जो जिस तरीके से सबने ग्रो करना है वो पैटर्न सब बच्चों का सेम रहेगा। अब यहाँ पर जो वेट और साइज होता है वो हर बच्चे का डिफरेंट इसलिए होता है क्योंकि वेट और साइज डिपेंड करता है हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट फैक्टर्स पे। हेरिडिटी मतलब कि
कौन से जीन्स उसके पास ट्रांसफ़र हुए हैं उसके पेरेंट्स से, और दूसरी किस एनवायरनमेंट में बच्चा ग्रो कर रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग जो है उसका हाइट और वेट जो है ग्रो करेगा। ये जो पीरियड होता है ये 2 ईयर्स तक जो है एक्सटेंड करता है। इस स्टेज पर बच्चा जो है सोशलाइज होना स्टार्ट होता है, मीन्स सोसाइटी को थोड़ा थोड़ा धीरे पहचानना शुरू करता है, जिसमें वो धीरे धीरे रिकॉग्नाइज करता है अपनी मदर को, बाकी घर के जो फैमिली मेंबर्स है उनको। जब बच्चा 1 साल का हो जाता है तो वो सिंपल कमांड्स देना सीख जाता है, जैसे कि येस नो। इसके अलावा जब 2nd ईयर ख़त्म होता है बच्चे का, 2 साल का वो होता है, तो वो सिंपल एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करना शुरू करता है एडल्ट्स के साथ, यानी सिंपल गेम्स खेलना जो है वो शुरू कर देता है एडल्ट्स के साथ। नेक्स्ट पॉइंट है चाइल्डहुड। साइकोलॉजिस्ट ये कहते हैं कि इस टाइम पीरियड को हम लोग सूडो मैच्योरिटी कहते हैं, कि फॉल्स मैच्योरिटी। ऐसा लगता है कि बच्चा मैच्योर हो गया है, बट एक्चुअल में बच्चा इतना डेवलप नहीं हुआ होता कि हम उसको मैच्योर कहें। ये जो टाइम पीरियड स्टार्ट होता है ये प्यूबर्टी से पहले होता है। प्यूबर्टी की एज जो स्टार्ट होती है वो 13 साल से लेकर 18 साल की होती है। तब जो बच्चा है वो चाइल्डहुड की एज में आता है, धीरे धीरे मैच्योर होना शुरू होता है, बट उससे पहले जो है वो सूडो मैच्योरिटी होती है। बच्चा जो होता है चाइल्डहुड के टाइम में, जब 10 या 11 साल का होता है, वो ज़्यादातर घर पे रहता है, बट धीरे धीरे वो टाइम के साथ एनवायरनमेंट में एडजस्ट करना सीख लेता है। ड्यूरिंग दिस लॉन्ग पीरियड मैनी फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल चेंजेस टेक प्लेस। अब इस लंबे टाइम पीरियड के दौरान बच्चे के बॉडी के अंदर बहुत सारे फिजिकल और साइकोलॉजिकल, मींस रिलेटेड टू माइंड, चेंजेस आते हैं। ये जो चाइल्डहुड का टाइम पीरियड है ये बहुत ही लंबा टाइम पीरियड होता है, जो शुरू होता है 3 साल में और ख़त्म होता है 12 साल तक। तो इसके अंदर बॉडी में बच्चे के बहुत सारे चेंजेस आते हैं, बॉडी में काफ़ी सारी डेवलपमेंट्स होती हैं। अब वन बाय वन उन चीज़ों को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले है फिजिकल डेवलपमेंट। बॉडी के अंदर हाइट और वेट जो है बच्चे का वो इंक्रीज होगा। सेकेंड है टीथ। बच्चे के जो मिल्क टीथ है वो कन्वर्ट होकर परमानेंट टीथ में रिप्लेस हो जाएंगे। थर्ड पॉइंट है नर्वस सिस्टम। बच्चे का जो नर्वस सिस्टम है वो इन्फेंसी में सबसे ज्यादा इंक्रीज होता है। नर्वस सिस्टम का मतलब होता है नर्व्स का मैसेज भेजना ब्रेन को और सेंसेस का काम करना। तो ये सबसे ज्यादा 1 या 2 साल में काम होता है। उसके बाद जो 3rd-4th साल शुरू होता है बच्चे का, तो नर्वस सिस्टम का प्रोसेस स्लो डाउन हो जाता है। तो चाइल्डहुड में नर्वस सिस्टम का जो प्रोसेस है वो इतना डेवलप नहीं होता, वो स्लो डाउन होता है टाइम के साथ। नेक्स्ट हेडिंग है मेंटल डेवलपमेंट। तो इसके अंदर बच्चा जो है जब इन्फेंसी की स्टेज में होता है, 1 या 2 साल का होता है, तो बच्चा ये जान की कोशिश करता है व्हाट इज दिस, कि ये क्या चीज है। बट जब बच्चा चाइल्डहुड की एज में आता है तो बच्चा क्वेश्चनिंग करता है व्हाई इज इट सो, ये अगर ये चीज है तो ये ऐसी क्यों है। सेकंड इसी के अंदर फर्दर पॉइंट है कि चाइल्डहुड में बच्चे के जो सेंसेस होते हैं वो डेवलप हो चुके होते हैं, और जो उसकी नॉलेज होती है वो बहुत शार्प होती है। तो बच्चा उसी नॉलेज पे बेस्ड जो है अपने एक्सपीरियंसेस के अकॉर्डिंग कंक्लूजन निकालता है हर सिचुएशन का, हर जो उसको टास्क दिया गया उसका। तो अपने सेंसेस और अपनी नॉलेज के अकॉर्डिंग जो है बच्चा टास्क और एक्टिविटी करना शुरू कर देता है। नेक्स्ट पॉइंट है डेवलपमेंट ऑफ इंटरेस्ट। जब बच्चा चाइल्डहुड की एज में होता है तो बच्चे का जो इंटरेस्ट लेवल है वो इंक्रीज हो जाता है। बच्चे को जो है बायोग्राफीज़, बुक्स ऑन साइंस, एडवेंचर, फेरी टेल्स, क्राइम स्टोरीज, बुक्स ऑन मिस्ट्रीज, ये सारी चीज़ों में जो है बच्चे का इंटरेस्ट जो है धीरे धीरे बढ़ना शुरू होता है। इसके अलावा जो रेडियो, टीवी, सिनेमा, ये सारी चीज़ें जो है बच्चे का अटेंशन ग्रैब करती हैं। नेक्स्ट हेडिंग है लैंग्वेज डेवलपमेंट। जब बच्चा 12 साल का होता है तो उसकी वोकैबुलरी इंक्रीज हो जाती है, यानी कि उसे वर्ड्स के मीनिंग जो है वो पता लग जाते हैं, वो सेंटेंसेस बोल पाता है अच्छे से और फ्रेजेस जो है वो बना पाता है। नेक्स्ट स्टेज है एडोलेसेंस। ये जो वर्ड है एडोलेसेंस, ये एडोलेसेंट वर्ड से लिया गया है, जिसका मतलब होता है ग्रो टू मैच्योरिटी, कि बच्चा जो है मैच्योरिटी की तरफ अब ग्रो कर रहा है। ये एक ट्रांजिशनल पीरियड है जिसमें चाइल्डहुड से यानी बचपन से बच्चा जो है एडोलेसेंस की स्टेज में जा रहा है, यानी कि प्यूबर्टी की एज में जा रहा है, यानी एक बच्चा जो है वो एडल्ट बन रहा है। इसके अंदर ज्योग्राफिकल, सोशल, इकोनॉमिक, न्यूट्रिशनल, हेरिडिटरी फैक्टर्स इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं एक एडोलेसेंट की ग्रोथ में। इसके अंदर फर्दर सब पॉइंट्स है मेंटल डेवलपमेंट। जब बच्चा एडोलेसेंस की एज में होता है तो बच्चा जो है एक्यूरेटली सोच पाता है, चीज़ों के जो मीनिंग्स है उसको डीपर थिंग्स से सोच सकता है, जो उसके आसपास की चीज़ें उनका डीप मीनिंग क्या है। बच्चे के जो ऑब्जर्वेशन स्किल्स होते हैं वो इंक्रीज़ हो जाते हैं, और जो उसके आसपास के ऑब्जेक्ट्स है, पर्सनस है, उसको वो अच्छे से एग्जामिन कर पाता है। सेकेंड पॉइंट है सेंस ऑफ क्रिटिसिज्म, कि अगर कोई चीज़ गलत है तो उसके क्या शॉर्टकमिंग्स है, उसके क्या वीक पॉइंट्स है, उसको क्रिटिसाइज़ करने की जो सेंस है वो बच्चे में आ जाती है। पावर ऑफ जजमेंट, कि चीज़ों को जज करना कि ये सही है या गलत है,
उस चीज की डेवलपमेंट की जो स्टेज है वो भी बच्चे में आ जाती है। सेकंड सब पॉइंट है सोशल डेवलपमेंट। इस स्टेज में बच्चे की जो सोशल डेवलपमेंट होती है यानी कि सोसाइटी के अंदर लोगों के साथ कैसे एडजस्ट करना है, कॉपरेट करना है, वो डेवलपमेंट सबसे ज़्यादा होती है। बच्चा जो है आसपास की चीज़ों में पार्टिसिपेट करता है, डिसीजन मेकिंग का पार्ट बनता है, सोशली एडजस्टेड वेल इन द सोसाइटी, अपने आप को सोशली एडजस्ट करने की कोशिश करता है, लोगों के साथ मिक्सअप करने की कोशिश करता है सोशल गैदरिंग्स में। आई होप यू विल फाइंड दिस वीडियो इन्फॉर्मेटिव एंड हेल्पफुल। इफ़ यू हैव एनी डाउट रिलेटेड टू दिस वीडियो और योर सिलेबस, प्लीज़ कमेंट बिलो, शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब द चैनल सो दैट यू विल गेट द नोटिफिकेशन ऑन टाइम। All the best achievers. Have a nice day.